संजय धोत्रे। हाँ बोलो। क्षमोदय, ये जो प्रश्न है इसमें खास करके छोटे बच्चों के ऊपर जो सेहत के ऊपर असर होता, क्योंकि जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनको तो सिगरेट बीड़ी शराब इससे क्या नुकसान होता उसका पता है, फिर भी वो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं युवा हैं उनके सेहत के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हो रहा। छोटे छोटे बच्चे जानते भी नहीं है कि इसके दुष्परिणाम क्या है, तो इसके लिए सीधी तरह इसके ऊपर बैन करना चाहिए। और कई चीजें तो ऐसी है, जैसा भी आया कि वो कुरकुरे वगैरह है उसमें प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होता, तो सरकार गंभीरता से इसके ऊपर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। मैडम, इसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय सोच विचार करके कानून बनाता है, अगर आगे चलकर अगर वो कानून बनाएंगे तो उसके ऊपर जरूर हमारा मंत्रालय जो विज्ञापनों के ऊपर नजर रखता है और आस्की जो कि सेल्फ रेगुलेट करता है वो जरूर इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को जरूर बतलाना चाहूंगा कि FSSAI ने एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया है, सभी स्कूलों के अंदर ये अवेयरनेस कैंपेन चलाया है और स्कूल्स की जो कैंटीन्स हैं उसके अंदर एक एक होलसम फूड प्रोडक्ट्स वहां पर अवेलेबल हो, और जो फास्ट फूड्स जिनको बोलते हैं या जंक फूड बोलते हैं वो उतनी मात्रा में अवेलेबल ना हो, इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाया है।